देखिए, हमें लगता है कि आज की यह जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से देश की आबादी या प्रदेशों में भी देखेंगे, अपने प्रदेश में भी देखते हैं, जब अलग राज्य बना तो उस समय 2 करोड़ 18 लाख की जनसंख्या थी, आज तो 3.5 करोड़ के करीब जा रहा है। देश के भी आज आप देखें कि भाई कितना, 130-135 करोड़ की आबादी हो गई। तो हमें लगता है अगर इस देश से हमें गरीबी को दूर करनी है तो फिर जनसंख्या पर में ध्यान देने पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आज की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण की। विपक्ष का कहना है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए कहा। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कानून जब बना सबके लिए तो टारगेट कैसे हो गया किसी एक विशेष, जब कोई कहे कि नहीं एक ही विशेष के लिए कानून तो नहीं आया है। इसलिए मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है यार, इस प्रकार के विपक्ष का काम ही आरोप लगाना। इलेक्शन का भी इशू बना रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला, इसलिए पोलराइजेशन के लिए। देखिए, इलेक्शन तो होते ही रहता है, अब तो देश में लगातार चुनाव हो रहे हैं, प्रत्येक साल चुनाव हो रहे हैं। अगर भारत सरकार भी कोई कानून लाएगी या राज्य में भी, देखते हैं कि कभी नगर निगम का चुनाव होता है, कभी पंचायत का चुनाव होता है, कभी कुछ चुनाव होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि चुनाव तो अब लगातार हो रहा है, तब तो फिर कोई कानून ही कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए ये उसको इलेक्शन से नहीं जोड़ करके देखना चाहिए। ABP News आपको रखे आगे।